जय हिंद विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में प्रचलित प्रथाएं। ये प्रथा क्या चीज है, किसे कहते हैं प्रथा? ये एक प्रकार की जन रीति है, यानी अनेक व्यक्ति जब एक ही तरह के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो घटना या सामूहिक घटना जन रीति कहलाती है, और ये जनरीति ही प्रथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अनुपालन किया जाता है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी प्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी जिन्हें हम कुप्रथाएं कहते हैं। वैसे सुप्रथा तो थी ही नहीं, लेकिन अगर थी भी तो नाम मात्र की, जैसे विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह। लेकिन कौन कौन सी प्रथाएं कुप्रथाओं के रूप में थी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सवाल बनते हैं? तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि उसके कंटेंट पहले पता हो, कि एक इंडेक्स दिमाग में होती है कि अच्छा इतनी सारी प्रथाएं हैं इस नाम से हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। क्या मैं सही हूँ इस जगह? तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रथाएँ राजस्थान में प्रचलित थी, उनके नाम पहले देखेंगे, फिर हम वन बाय वन करके उनको। इन प्रथाओं में सबसे पहले हम राजस्थानी गौरवमयी परंपरा साका की बात करेंगे। ये साका किससे मिलकर बना होता है, क्या प्रथा है, जौहर किसे कहते हैं, केसरिया क्या है, अर्ध साका क्या है, अर्ध साका किसे कहते हैं। अगली प्रथा की बात करेंगे, सती प्रथा। नेक्स्ट अनुमरण, अणक, कन्यावध, त्याग प्रथा, बाल विवाह, डावरिया प्रथा, पर्दायत, विधवा विवाह, डाकण प्रथा, नाता, नाता प्रथा, दापा प्रथा, बेगार, बंधुआ मजदूर प्रथा, या बंधुआ मजदूर प्रथा कोई बोलते हैं, सागड़ी प्रथा, मोताना प्रथा, संथारा प्रथा, समाधि प्रथा, इनके बाद रियाण प्रथा, चारी प्रथा,
आन प्रथा। आन प्रथा के अलावा एक कर था जिसे हम चौथान कर के रूप में जानते हैं, ये भी एक प्रकार से प्रथा ही थी। दहेज प्रथा और दास प्रथा, ये कुछ प्रमुख प्रथाएं जो राजस्थान में प्रचलित थी। और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है, तो इन सब की चर्चा हम वन बाय वन करके करेंगे। साका किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं, केसरिया किसे कहते हैं, और इनसे किस किस प्रकार के सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो सबसे पहले आप इन राजस्थानी प्रथाओं का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास एक रजिस्टर मेंटेन्ड हो कि हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान का सामाजिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं अभी। और सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले टॉपिक हमने त्योहारों का कंप्लीट किया, और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रचलित प्रथाएं। तो ये प्रथाओं की इंडेक्स आप बना लें, फिर हम आगे बात करते हैं वन बाय वन करके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले आज हम जिस प्रथा के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सती प्रथा। क्या थी सती प्रथा, कैसे ये चलन में आई, इसे रोकने के प्रयास सबसे पहले किसने किए, किसके शासनकाल में किए गए, इस पर अधिनियम कब बना, ये सब हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। और ऐसे सवाल बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो सती प्रथा के बारे में बात करें तो ये सती शब्द सबसे पहले तो राजा दक्ष की पुत्री दक्षायणी, जिसे हम महादेव की पत्नी के रूप में जानते हैं। तो घटना आप सबको पता है कि राजा दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, उसमें इन दोनों को आमंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन पुत्री ज़बरदस्ती वहाँ जाती है, और जब उसके पति का अपमान पाती है तो वो सहन ना करके आत्मदाह कर लेती है। तो वो सती नाम उनके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो प्राचीन काल की बात करें तो व्यक्ति नेचर से इतने ज़्यादा परिचित नहीं था, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति का ज्ञान इतना नहीं था। लेकिन उन लोगों में एक बिलीफ सिस्टम था कि मृत्यु के बाद भी उस मृतक आत्मा का किसी दूसरे लोक में अस्तित्व रहता है, और इसी धारणा के चलते उस मृतक के साथ साथ उसकी प्रिय वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन में साक्ष्य मिलते हैं कि मानव के शव के साथ साथ कुत्ते के शव को भी दफनाया गया, या कुत्ते को भी दफनाया गया। जो एक्सकेवेशन होते हैं, उत्खनन होते हैं, उनमें ये साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो सती प्रथा में इसी बिलीफ सिस्टम के आगे चलते चलते स्त्री को भी उस पुरुष की वस्तु ही माना जाता था, इसीलिए उसे भी उसके साथ आत्मदेह करना पड़ता था और उसके साथ ही जाना होता था। लेकिन हम यदि साक्ष्यों की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, ना ही ब्राह्मण साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, ना ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और ना ही मेगस्थनीज में इस सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हाँ, 4 BC के बाद कहीं कहीं इस प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जैसे रामायण महाभारत की बात करें तो रामायण में रावण का पुत्र मेघनाथ की मृत्यु पर उसकी पत्नी सुलोचना सती हुई थी। वहीं हम आगे बात करें तो महाभारत में महाराज पांडु की छोटी पत्नी माद्री सती हुई थी उनके साथ। वहीं कृष्ण के पिता वासुदेव की बात करें तो उनकी चारों पत्नियां भद्रा, मंदिरा, रोहिणी और देवकी, ये सब सती हुई थी। लेकिन जहाँ तक हम अभिलेखीय प्रमाण की बात करें
कि हमें लिखित साक्ष्य कब मिलते हैं? तो देखिए, सती प्रथा, और भारत में सबसे पहला साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख से। ये लिखित प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख। कहाँ है एरन अभिलेख? तो एरन अभिलेख एमपी के सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे स्थित और ये 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति और मित्र भी कह देंगे, सेनापति गोपराज की पत्नी सीता देवी सती हुई थी। गोपराज की पत्नी सीता देवी सती हुई थी। अब ये गोपराज के साथ क्यों सती हुई थी? गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया और उनके साथ ही उनकी पत्नी सीता देवी भी सती हुई। तो ये पहला अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलता है सती प्रथा का। भारत की बात करें तो ये एरन अभिलेख है जो एमपी के सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। 510 ईस्वी का ये अभिलेख है जो भानुगुप्त का माना जाता है और भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी सीता देवी प्रथम सती हुई थी। ये हमें कहाँ से पता चलता है? एरन अभिलेख से। तो ये भारत में पहली सती का लिखित साक्ष्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में सती प्रथा पहली बार कब और कहाँ। तो अब हम बात करते हैं कि सती प्रथा राजस्थान में सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो राजस्थान में घटियाला शिलालेख ये 861 ईस्वी का है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस अभिलेख का समय 810 ईस्वी है। इसमें ये घटियाला शिलालेख जोधपुर में स्थित है। यह शिलालेख जोधपुर का है। जिससे सती प्रथा के बारे में जिससे सती प्रथा का पता चलता है। कैसे पता चलता है? साक्ष्य के तौर पे या प्रमाण के तौर पे।
घटियाला शिलालेख गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका टाइम पीरियड 810 से बाकी 861 ईस्वी का है, और ये शिलालेख जोधपुर का है जिससे सती प्रथा का हमें पता चलता है। इसमें सेनापति राणुका की पत्नी संपत देवी के सती होने का उल्लेख है। ये हो गई प्रमाण की बात कि राजस्थान में ये प्रथा हमें कहाँ से प्रमाणित होती है, घटियाला शिलालेख से। ये 861 का है, जोधपुर में मिला है ये। इसमें सती प्रथा का उल्लेख है, और सबसे पहले सती राजस्थान में कौन हुई थी, तो सेनापति राणुका की पत्नी संपत देवी। ये अभिलेखीय प्रमाण सती प्रथा के मिलते हैं। लेकिन इनके साथ साथ अब सती प्रथा को किन नामों से जाना जाता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें, सती प्रथा में महिला अपने पति के शव के साथ में चिता पर बैठ करके आत्मदेह करती थी। इस सती प्रथा को किन नामों से जाना जाता है, तो इसके नाम हैं सती प्रथा के नाम क्या क्या हैं, इसे सहमरण, सहगमन, अनवारोहण और आत्म उत्सर्ग नाम से भी जाना जाता है। ये सती प्रथा के अन्य नाम हो गए, अन्य नाम। देखिए यहाँ पर ये जो सहमरण है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, ये विश्वास था कि मरने के बाद भी उस आत्मा का दूसरे लोक में अस्तित्व रहता है, तो उसकी प्रिय वस्तु को साथ जाना है, क्योंकि स्त्री भी उसकी प्रिय वस्तु थी, मानी जाती थी। तो सहग मरण यानी संग संग मरना, सहगमन साथ साथ जाना, और यहाँ अनवारोहण का मतलब है के ऊपर जलना, यानी चिता पर जलती थी ना, तो वो शब्द है अनवारोहण। वहीं आत्म उत्सर्ग, ये यूरोपीय लेखकों ने जब यहाँ हमारे इस सिस्टम को पढ़ा और इतिहास लिखा, तो इस प्रथा के बारे में जान करके उन्होंने जो नाम दिया वो ये है आत्म उत्सर्ग। और ये सवाल परीक्षा में बनता है कि यूरोपीय लेखकों ने सती प्रथा को किस नाम से जाना या किस नाम से पुकारा, वो नाम है आत्म उत्सर्ग। यूरोपीय लेखकों ने इसे आत्म उत्सर्ग के नाम से जाना, वहीं इसके दूसरे नाम सहमरण, सहगमन, अनवारोहण। इससे मिलता जुलता एक शब्द है अनुमरण। क्यों ऑप्शन में आ सकता है सती के नाम निम्न में से नहीं है, तो सहमरण है, सहगमन है, अनवारोहण है, लेकिन अनुमरण इसलिए नहीं है। सती प्रथा में उस चिता पर पति के शव के साथ ही पत्नी भी आत्मदाह कर लेती थी, लेकिन अनुमरण एक प्रथा है जिसमें पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर, मान लीजिए
सैनिक अभियान के चलते कोई दूर जाके लड़ाई कर रहा है, स्थान काफ़ी दूर है और वो वहाँ पर वीरगति प्राप्त कर लेता है, तो उस मृतक के शरीर को वापस अपने गांव लाने में वक्त तो बहुत लगता था क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे, तो जो जहाँ मरा वहीं मिट्टी को समर्पित हो जाता था। लेकिन सती उसके पीछे भी होती थी, महिलाएं, वो उसे किसी भी प्रतीक चिन्ह के साथ, जैसे पगड़ी के साथ उदाहरण मिलता है, मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी रानी उमादे। तो ये अनुमरण की प्रथा का कंडीशन क्या है कि यदि शव उपलब्ध नहीं है और सती होना है तो उसके किसी प्रतीक चिन्ह के साथ में, जैसे तलवार हो गई, पगड़ी हो गई, वो कहलाती अनुमरण, यानी पीछे पीछे मरना, ये अनुमरण है। लेकिन ये भी था, अनुमरण कब नहीं होता था? मान लीजिए पति की मृत्यु हो गई और उस समय पत्नी गर्भवती है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं था सती होने का या अनुमरण करने का, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसे इस प्रथा को अपनाना होता था। तो ये अनुमरण की प्रथा, यानी कि पति की मृत्यु अन्यत्र हुई है लेकिन उसके प्रतीक के साथ में वो यही चिता पर उसके किसी प्रतीक चिन्ह के साथ आत्मदाह करेगी, ये अनुमरण कहलाता है। लेकिन सती प्रथा के नाम की बात करें तो इसे सहमरण, सहगमन और अनवारोहण, और यूरोपीय लेखकों के अनुसार आत्म उत्सर्ग नाम से जाना जाता है। तो इन नामों के बाद, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अपन देखते हैं कि इस प्रथा को सबसे पहले कहाँ रोका गया, किसने रोका। तो सती प्रथा के लिए सबसे पहले हम सल्तनत काल में चलते हैं, तुगलक काल में, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सती प्रथा को रोकने के सबसे पहले, सती प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक व सम्राट अकबर लेकिन ये स्थायी नहीं रहे, इनके प्रयासों से कोई इतना सख्त कानून नहीं बना, लेकिन फिर भी पहला प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा को रोकने के लिए किया। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले ये प्रयास किसने किया? तो ब्रिटिश प्रभाव में, यानी इस समय जब भारत में रिफॉर्मेशन चल रहे थे सोशल और रिलीजियस, उस दौरान आपने एक नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत प्रयास किए क्योंकि वो रिफॉर्मर तो थे ही, सेंसिटिव भी थे, लेकिन उनकी भाई की पत्नी, भाई की मृत्यु के बाद में जब उसे प्रेशराइज करके एकदम सती होना पड़ा था, एक तो सती क्या होता है, मन से कि पति नहीं रहा मुझे भी नहीं जीना, तो वो तो एक अपनी स्वेच्छा से वो वरण करती थी मृत्यु का, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा इतनी कठोर बन गई कि अपनी एक प्रतिष्ठा पे बात ले ली कि फलाने की जब बहू मरी थी तो वो उसके बेटे के साथ में सती हुई थी, अब हमारे घर में बेटा मरा और बहू सती नहीं होगी तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि ये तो सावित्री नहीं है, तो सासू
उसको प्रेशराइज करती थी, नहीं यू हैव टू, मरना ही होगा तुझे तो ये कुप्रथा बहुत प्रगाढ़ हो गई थी उस समय। तो राजस्थान में सबसे पहले किसने प्रयास किए देखते हैं अपन। राजस्थान में सबसे पहले 1822 यानी कि सती प्रथा को रोकने के प्रयास राजस्थान में किसने किए देखते हैं। सबसे पहले 1822 में बूंदी में राजा विष्णु सिंह के समय इसे प्रतिबंधित किया गया, लेकिन बूंदी के बाद 1825 में बीकानेर राजा सूरत सिंह के समय इसे रोकने के प्रयास किए गए। 1825 के बाद यानी इस सती प्रथा में जो कानून बना राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, वो 1829 में बना जो ब्रिटिशकालीन भारत में इस प्रथा को रोकने का एक अध्यादेश पारित हुआ विलियम बेंटिंक के समय में, वो अभी अलग से लिख देती हूँ। लेकिन उसके बाद 1829 के बाद 30 में अलवर में हुआ, 'बने सिंह के शासनकाल में, राजा बने सिंह। इसके बाद में 1844 में जयपुर राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, और 1844 में डूंगरपुर में राव डूंगर सिंह के समय वहीं 1846 में बांसवाड़ा, लक्ष्मण सिंह के समय, और 1846 में ही प्रतापगढ़ में गणपत सिंह के समय, राजा गणपत सिंह थे उस समय, और सबसे अंत में यानी कि 1861 में मेवाड़ में रोका गया इस प्रथा को, और मेवाड़ में उस समय राजा थे स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो हैं जब इस सती प्रथा को रोकने के प्रयास राजस्थान में कहां कहां और किस किस के द्वारा किए गए। वहीं सती प्रथा के लिए जो अध्यादेश बना वो 1829 में राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हमारा उस समय गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक, के शासनकाल में अध्यादेश जारी कर इसे रोका गया।
किसे रोका गया? सती प्रथा को। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। उस समय भारत में किसका शासन था? विलियम बेंटिंक का, उदार प्रकृति का था और रिफॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाला था। तब ये अध्यादेश जारी हुआ और ब्रिटिश भारत में इस पर रोक लगा दी। उस समय राजस्थान में जिन रियासतों ने कदम उठाए थे, तो ये सवाल देखिए, अब सवाल कैसे बनते हैं। 1829 में तो ये अधिनियम पारित हो गया कि सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उससे पहले जो कदम उठाए हैं वो ये रियासतें हैं राजस्थान की। तो सबसे पहले देखिए, बूंदी में ये भी सवाल बनता है कि सबसे पहले सती प्रथा को रोकने के प्रयास कहाँ किए गए? बूंदी में। किसका शासन था? विष्णु सिंह का। वहीं उसके बाद बीकानेर में है। 1830 का प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि 29 में ये अधिनियम बना और 29 में ये अधिनियम बनने के बाद पहली बार किसने रोक लगाई? तो वो अलवर रियासत है। अधिनियम नहीं बना उससे पहले, सबसे पहले जिसने रोकने के प्रयास किए वो तो बूंदी है। समझना आप यहाँ पे सवाल को। 1822 में सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास बूंदी ने किया, लेकिन बूंदी में उस समय किसका शासन था? विष्णु सिंह का। लेकिन जब अधिनियम बन गया 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, विलियम बेंटिंक ने बनाया, तब सबसे पहले किसने रोक लगाई? तो देखिए 29 के बाद 30 आता, 30 में अलवर है और बने सिंह का शासनकाल था। उसके बाद ये सुमेलित कीजिए में आ जाता है। तो अंत में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इस पर रोक लगाई। लेकिन ये सती प्रथा यहीं समाप्त नहीं होती है। ये सती प्रथा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण करने वाली एक घटना राजस्थान में घटी। जैसे हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में पहली सती रानुका की पत्नी संपत देवी हुई थी, वैसे ही राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? तो आइए देखते हैं अंतिम सती को भी, उसका क्या नाम था और उस घटना के बाद में राजस्थान सरकार द्वारा ये सती निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले सती प्रथा बूंदी में रोकी गई, लेकिन कानून बनने के बाद पहला प्रयास अलवर रियासत ने किया। लेकिन राजस्थान की अंतिम सती, राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई थी? अंतिम सती कौन थी? तो नाम आता है रूप कंवर। रूप कंवर राठौड़। ये वाइफ ऑफ माल सिंह रूप कंवर अंतिम सती हुई थी 4 सितंबर 1987। को सती हुई थी? क्यों सती हुई थी? किसमें मरा था माल सिंह? और इसके बाद कानून कैसे बना? तो ये घटना 4 सितंबर 1987 की, सीकर का एक गांव है शेखावाटी में, दिवराला गांव सीकर, इसकी ये घटना है। दिवराला गांव सीकर में रूप कंवर अंतिम सती हुई थी 4 सितंबर 1987 को। ये घटना उस समय की है जब 18 वर्षीय रूप कंवर अपने पति माल सिंह के साथ सती हुई थी। माल सिंह की मृत्यु एक बीमारी के चलते हुई थी। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह के पेट में दर्द होने की वजह से
उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और 4 सितंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी पत्नी जो मात्र और मात्र और मात्र 18 साल की उम्र, 8 महीने का विवाह का समय, यानी 8 महीने हुए थे शादी को और लगभग 20 दिन का उनका साथ था इन 8 महीनों में। जिस समय वो बीमार थे, पत्नी रूप कंवर उनके साथ ही थी। और 4 सितंबर को मृत्यु होने पर रूप कंवर ने अपनी इच्छा से इस चितारोहण का वरण किया और अपने पति के साथ सती हो गई। लेकिन इस घटना ने पूरे राजस्थान में हिला दिया, विधानसभा हिल गई और तुरंत सितंबर में ये घटना घटी। लेकिन अक्टूबर 1987 में, जिस समय हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी और राज्यपाल बसंत दादा पाटिल, उन्होंने ही हस्ताक्षर करके इस अधिनियम को पारित किया और सती को बिल्कुल रोक लगा दी, अवैध घोषित कर दिया, सती निरोधक अधिनियम पारित हो गया। और 1988 में ही केंद्र सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया। तो सती प्रथा में अंतिम सती का नाम आता है रूप कंवर का, और 1987 में ही ये कानून बना था। इस घटना के बाद ही 1987 में सती निरोधक अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम के तहत सती होना तो दूर, सती प्रथा का महिमा मंडन करना भी अपराध की श्रेणी में है, उसमें भी जेल का प्रावधान है। और रूप कंवर कांड में तो 32 साल बाद फैसला आया और दोषी करार हुए लोग। तो ये राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर, कहाँ की, दिवराला गांव सीकर। और किसकी पत्नी, ये माल सिंह शेखावत की पत्नी, जो अंतिम सती थी 1987 में। 4 सितंबर 1987 को ये सती हुई और अक्टूबर 1987 में ये अधिनियम पारित कर दिया गया। और 1988 में इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया। ये सती प्रथा। और सती प्रथा में वैसे शेखावटी में नारायणी माता अपन पढ़ते हैं, जिसे लोक भाषा में दादी जी कहते हैं। उनकी स्मृति में पहले भाद्र अमावस्या में सती मेला लगता था। अब उस मेले का नाम भी 1987 के बाद में सती मेला नहीं बोला जाता उस मेले को। यानी सती नाम, सती का महिमा मंडन करना, ये सब कानूनन अपराध की श्रेणी में है। तो राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर दिवराला सीकर की, और प्रथम सती आपको बताई थी घटियाला शिलालेख। और भारत की प्रथम सती गोपराज की पत्नी कौन, सीता देवी, किससे पता चलता है, एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी और ये एमपी के सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे, किसका अभिलेख था, भानुगुप्त का। तो तीनों बात ध्यान रखिएगा, पहली सती भारत में एरन अभिलेख से साक्ष्य से पता चलता है, राजस्थान में घटियाला शिलालेख है, वहीं अंतिम सती कौन है राजस्थान में, तो रूप कंवर का नाम आता है। तो ये सती प्रथा। अब सती केवल पति के साथ ही नहीं, पुत्र के साथ भी महिलाएं सती होती थी। जी हाँ, बिल्कुल, पुत्र के साथ सती होती थी। पुत्र, जवान पुत्र युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसकी माँ अपने पुत्र के साथ स्वेच्छा से सती होती थी, उसे माँ सती बोला जाता था। माँ सती, देखिए शब्द को, ये सती है और ये वर्ड है माँ सती।
और महासती क्या होता है? ये तीनों ही। सती तो अपन देख रहे हैं, पति के साथ चिता में बैठना सती होना, लेकिन महासती पुत्र के साथ सती होना। और महासती जो अभी हमने देखा था कि अनुमरण, यानी पति का शव नहीं है सामने, लेकिन उसके किसी भी प्रतीक के साथ में सती होने वाली स्त्री महासती का दर्जा पाती थी। तो बहुत सारी जगह सतियों के मंदिर बने हुए हैं, उन सब पर रोक। कोई सती का रात्रि जागरण नहीं कर सकता, उनकी महिमा नहीं कर सकता। ये कानून कब बना? ये कानून 1987 में, और केंद्र सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल या संघीय सूची में शामिल कर लिया 88 में। तो ये थी सती प्रथा। अब हम अगली प्रथा अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग लगातार बने रहें, एक रजिस्टर बनाए रखें अपने साथ, इनको सिस्टमेटिकली नोट करें, क्योंकि परीक्षा में यही सवाल पूछे भी गए हैं, आगामी परीक्षाओं में बनने वाले सवाल हैं, और अपन खूब डिटेल से पढ़ेंगे, घबराएं नहीं। लेकिन इस ज्ञान को, राजस्थान के ज्ञान को बिल्कुल डिटेल से लेने के लिए प्रज्ञान चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत सिस्टम से क्लास, जिसमें ए से लेकर के जेड तक हमें कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो, और हम वो क्लास घर बैठे आराम से ले लें, और अपनी परीक्षाओं में राजस्थान में तो कम से कम कोई सवाल ना छूटे। क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसी राज्य का नॉलेज हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसे तो कम से कम हम गलत नहीं होने दें। आगे के सब्जेक्ट की बात अलग है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।